वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। रात को भोजन के उपरांत यदि उचित होगा तो आधा घंटे रात को भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले संभावना नहीं थी कि मैं यहाँ इतनी जल्दी पहुँच पाऊँगा, इसलिए शाम का कार्यक्रम रखा था, पर अब शाम का भी नहीं रखेंगे, रात का रखेंगे। शरीर की व्याधियां शरीर रहते ज्ञानी को भी हो सकती हैं। शंकराचार्य को रोग हुआ, रामकृष्ण परमहंस को हुआ, स्वामी राम तीर्थ को हुआ, बड़े बड़े ज्ञानी योगी साधक शारीरिक रोग से पीड़ित हुए हैं। ज्ञान इसलिए नहीं है कि शरीर रोग नहीं होंगे, यह शरीर के रोगों का ज्ञानी को भान नहीं होगा। अभी तक का जितना मुझे ज्ञान है उसमें मुझे लगता है कि शरीर के कष्ट ज्ञानी को भी मालूम पड़ते हैं, 24 घंटे मालूम नहीं पड़ते। जब व्यक्ति ध्यान में है, चिंतन में है, समाधि में है, सुषुप्ति में है, उतनी देर शारीरिक कष्ट भी नहीं मालूम पड़ते। और शरीर के रहते हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन, इनकी आमूल चूल प्रकृति नहीं बदलती। ज्ञान के बाद भी यदि जबान में कोई चीज़ डालोगे, खट्टी मीठी चरपरी कड़वी नमकीन ज़्यादा कम का पता चलेगा, थोड़े बहुत का फर्क नहीं पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा नमक डाल दें तो नहीं पता चलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नमक कम ज़्यादा हो तो उसका ध्यान न जाए, क्योंकि वो चिंतन में है, कोई स्वाद के लिए खाता नहीं है, स्वाद पर उसकी दृष्टि नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं जाएगा। सहज उसका भोजन में स्वाद में ध्यान नहीं जाता, पर एक सीमा से ज़्यादा होगा तो उसे पता चलेगा। मुझे आज अपने गुरुदेव का स्मरण आया कि मैंने उनको कभी असह्य ऐसी गर्मी पड़ने पर भी, कभी उन्हें अपने हाथ से भी कभी ऐसे करते नहीं देखा, नहीं देखा मैंने। अर्थात कपड़े के द्वारा हवा करके गर्मी हटाने की कोशिश मैंने नहीं देखी, एक दिन नहीं रहा। मेरे रहते गुरुदेव का 12 वर्ष शरीर रहा, 6 वर्ष में केवल एक दिन को गैर हाजिर रहा,
छः वर्ष में एक दिन गुरुदेव के साथ नहीं था, नहीं जैसे छाया होती है किसी की, ऐसे में गुरुदेव के पास जगने से, सोने से, उठने से, बैठने से, नहाने से, खाने से साथ रहा। पर उनको देखकर गर्मी लगती है नहीं महसूस होता था, सर्दी को मैं तो देखा, सर्दी लगने की क्रिया शिशकना शिहरना ऐसा नहीं देखा, पर बहुत कपड़े ठंडी में पहने देखे, एक साथ कई कई कपड़े, कपड़े के ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़ा, जैसे प्याज का छिलका, ऐसे ही कपड़े पहने देखे। पर ठंडी में उनकी क्रिया से ऐसे नहीं लगा कि इन्हें ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है। पर मेरा एक तर्क कहता है, तर्क देखो, मैं गुरुदेव को भी तर्क से सोचता हूं कि ऐसे मैंने गर्मी सर्दी उनको नहीं देखा, कभी पंखा करते नहीं देखा, दूसरों को पंखा करवाते नहीं देखा, पर एक बात मुझे लगती है, अजमा तो सकते नहीं थे, पहले ज्ञानियों को दुष्ट लोग ऐसे ही अजमाते थे, कोई ना कोई कष्ट दे के अजमाते थे कि इनको फर्क पड़ता है कि नहीं। तो मेरा मन करता है कि होता, ये कह के क्या समझाना चाहता हूं कि सहज छोटी मोटी गर्मी, सहज तकलीफ का एहसास नहीं होता, ऐसे छोटा मोटा बुखार है, फलाना है, कभी हमने नहीं देखा। एक बार तेज बुखार में गुरुदेव को उल्टी हुई, बुखार हुआ, सुबह हम लोग कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, स्नान नहीं करो, तो कर लिया, कहते थे तबीयत खराब कहाँ है, तबीयत खराबी में उल्टी हुई, तबीयत खराब रही, उन्होंने अपने गुरुदेव की प्रतिमा को ऋषिकेश में नमस्कार किया। अब मैं नहीं जानता क्यों किया, वो भी हमने हमेशा नहीं देखा, एक याद बार देखा कि उन्होंने अपने गुरुदेव की प्रतिमा को सिर रखकर नमस्कार किया। पर इतनी तबीयत खराबी में कहते रहे तबीयत खराब नहीं है, फिर ठीक हो गए तो कहते हैं इन्होंने स्नान नहीं करने दिया, इन्हें खाने नहीं दिया, हम कहते थे तबीयत खराब है तो कहते थे नहीं। एक बार उनकी तबीयत खराबी में शिष्यों को तकलीफ होती है तो उन्होंने चाहा कि किसी डॉक्टर को बुला लें, डॉक्टर को बुलाया गया, ये कानपुर आश्रम की घटना है, गुरुदेव दूसरी मंजिल में जिस कमरे में विश्राम करते थे कर रहे थे, हम सेवा में थे, अंदर थे, तो गुरुदेव हमसे कहते हैं दरवाज़ा नहीं खोलना, किसी ने कहा दरवाज़ा खोलो डॉक्टर आया है, स्वामी जी हमसे कहते हैं दरवाज़ा नहीं खोलना, और क्या कहते क्या हैं, यदि वो दर्शन करने आया हो तो दर्शन करे, यदि दवा करने आया हो तो हम बीमार नहीं हैं, दरवाजा नहीं खोलें। उनकी दूसरी निष्ठा की चर्चा बहुत बार की है कि वो चाहते थे कि मनुष्य ब्रह्मचारी बने, अधिक चरित्रहीन बनकर या अधिक शादी होकर के भी दिन रात इसी में लगा रहे, उनको पसंद नहीं था। उनका कहना था कि ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ बनो ही नहीं, गृहस्थ बन के भी एक सीमा तक ब्रह्मचारी बनो, उसकी कीमत समझो। और वो उदाहरण देकर कहते थे देखो मैं इतनी उम्र में भी अभी कमजोर नहीं हूं, और यूं कहते थे कि कोई पहलवान आए मैं उसका हाथ पकड़ता हूं वो छुड़ा ले, और साथ में ये कहते थे
कि वो मेरा हाथ पकड़े, मैं अभी छुड़ाता हूं। अब उनके सामने कोई पहलवान अजमाने तो जाएगा नहीं, और मैं यहां पर भी अपनी बुद्धि की कसौटी से जितना मेरे पास है उस कसौटी से यदि कोई पहलवान हाथ पकड़ता तो शायद नहीं छुड़ा पाते, मेरा ऐसा विश्वास है। और वो किसी का पकड़ते तो हो सकता है पहलवान छुटा लेता, लेकिन इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि उतनी उम्र में उनको ये कभी नहीं लगता था कि मैं कमजोर हूँ। ये बात 100% सच्ची है। आदमी जवानी में महसूस करता है कि मैं कमज़ोर हूँ, थका हूँ, बीमार हूँ, मेरे ताकत नहीं है, अर्थात उनको अपने अंदर ताकत की कमी का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह से अपनी मृत्यु के विषय में कभी हम उनको बूढ़े हो गए हैं, मर जाएंगे, ये तो जरूर कहते थे, जब हम नहीं रहेंगे तो ये ब्रह्मज्ञान विरोधी लोग तुम्हारी छाती पर चढ़ेंगे, इसलिए तुम पक्की निष्ठा प्राप्त करो कि विरोधियों के सामने भी तुमको ये न लगे कि हम ज्ञानी नहीं हैं, कमजोर। तो इसी तरह से जैसे उन्हें कमजोरी का ख्याल नहीं आया, ऐसे उन्हें सर्दी गर्मी की जैसे परवाह नहीं। पर वही जो मैंने पहलवान के लिए तर्क किया, वही तर्क यहाँ पर भी है कि एकदम कोई तेज गर्म उनको छुआ देता तो नहीं मालूम पड़ता, ऐसा मैं नहीं मानता। पर ये बात भी सच है कि 6 वर्षों में लगातार साथ रहकर जून मई की गर्मियों में भारत में कोई उत्तराखंड में नहीं चले जाते थे, बुंदेलखंड की गर्मी में भी रहे, पर लगा नहीं कि उनको कोई गर्मी लग रही उनके आचरण से, उनके व्यवहार से। इसी तरह से 6-7 वर्ष उनकी भोजन कराने की सेवा, कुछ दिन तो बनाने की थी, कराने की नहीं थी, कुछ दिन भोजन बनाने की और कराने की भी सेवा रही, उनको खाते देखा, नुक्स तो इतने निकालते थे कि तुम भी नहीं निकालते, पर यदि उन्हें भोजन की प्रियता होती, देखो नुक्स निकालना उनकी लीला थी, भोजन की कमी निकालना, बनवाने बनाने वाले की कमी दिखाने के लिए भोजन की नुक्स निकालते थे। यदि उनकी जबान के कारण स्वाद का कोई पसंद का सवाल होता तो कभी चुनाव करते देखते कि ये ना खाएंगे ये खाएंगे, ये बनाओ, हमने जीवन में कभी नहीं देखा कि ये बनाया जाए। जो उनके स्वास्थ्य के लिए वही रोटी 6 वर्ष, वही दाल 6 वर्ष, हमारा सुबह का वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीनू, हाँ मीनू मीनू, आज के भोजन का मीनू ये, कल के भोजन का मीनू ये, कुछ रोज भोजन में चेंज होनी चाहिए। 6 वर्ष में मैंने स्वामी जी के भोजन में कोई चेंज नहीं देखी। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, मैं गुरुदेव की वो बातें बताता हूँ। कई बार लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, मैं गुरु की तुलना तो नहीं कर सकता, पर स्वास्थ्य के अलावा भोजन का चुनाव करने की मेरे स्वभाव में भी नहीं, क्या बनाए, ये बनाए, वो बनाए, नहीं है। ये दिन भर भोजन का चुनाव करते रहना इस चटोरी जबान के लिए, ये कोई जिंदगी है? मैं अभी भी ये नहीं कहता कि मुझे भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता और अस्वादिष्ट भोजन का पता नहीं चलता, पता चलता है, पर उसका चुनाव मन में नहीं आता।
कि ये बनाया जाए कि वो बनाया जाए। और यदि मेरा चुनाव ये है तो फिर बता दूं, कोई भी भोजन अच्छा बनाते हो तो स्वादिष्ट लगता है, और जो भोजन पसंद है वही यदि गलत बनाओ तो। मान लो कोई सब्जी मुझे पसंद है और उसमें बहुत मिर्चा या बहुत नमक डाल दो तो पसंद आएगी? मैं कैसे कह दूं कौन सी सब्जी मुझे पसंद है? तुम्हारे बनाने पर निर्भर है, पता नहीं किसको तुम क्या बना दो। जो दाल मुझे पसंद है वो स्वादिष्ट रोज बनाई जा सकती है, वो तुम्हारे बनाने पर निर्भर है। ये इतना तो हो सकता है, नमक कम खाता हूं कि ज्यादा खाता हूं, या कम खाना चाहिए या ज्यादा खाना चाहिए। पर कौन सी सब्जी, यदि पूछनी है तो किसी वैद्य से पूछो कि स्वामी जी को कौन सी सब्जी दिया करें। मैं क्या बता दूं, वैद्य बताएगा कि इस उम्र वाले को, इस तरह के बीमार को या इस तरह के व्यक्ति को इस तरह का भोजन नहीं किया जाता। आयुर्वेद में बात प्रधान, कफ प्रधान, पित्त प्रधान भोजन है। स्वास्थ्य के लिए चुनाव डॉक्टर करेगा, ये जबान करेगी क्या कि क्या फायदा करता? आपकी जबान कर सकती है कि स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन पसंद है? तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा भला किसमें है? तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां बताएंगी। कोई गुरु बताएगा, उसके अनुसार जीना सीखो। मन के अनुसार और इंद्रियों के अनुसार जीना, इससे ज्यादा अपने जिंदगी का कोई पतन नहीं। सदा मन का होता है। फिर देखो, व्यास गद्दी से बोलता हूं, अभी भी मान अच्छा लगता है, अभी भी भोजन अच्छा लगता है, हाँ अभी भी अपमान अच्छा नहीं लगता। अभी भी यदि बेतुका भोजन बना दो तो अच्छा ना लगेगा। पर तुमको कहूं क्यों कहूं, और कभी पहले नहीं कहा, पर यहां का भंडारे का भोजन अच्छा ना बने तो कहूंगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पसंद, इतने लोग आए हैं इनको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं। नहीं पसंद का है तो एक दिन में मर जाएंगे क्या? पसंद का है तो एक दिन में थोड़ा अच्छा लगेगा, ये स्वर्ग टिका रहेगा क्या? स्वादिष्ट भोजन का सुख टिका रहेगा? क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इतने के लिए आपादापी क्यों? तुम पुण्य करके स्वर्ग चले जाओगे, कितने दिन रहोगे? तुम परोपकार करके छवि बनाकर एक इलेक्शन जीत लोगे तो क्या कर लोगे? छवि बनाकर इलेक्शन जीतने के लिए अच्छे काम मत करो, अच्छे काम करो। क्योंकि कितने दिन गद्दी में रहोगे, कितने दिन स्वर्ग में रहोगे, कितने देर सुख टिकेगा? इसलिए भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श सजा भोगा, ये ही संस्पर्श सजा भोगा, दुख ये नये एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रियों के विषय के संपर्क से, चाहे त्वचा है, चाहे जबान है, चाहे आंख है, चाहे रसना है, नाक है, संस्पर्श से जो सुख मिलता है, भगवान नहीं कहते नहीं मिलता, उन्हें पता है ये इंद्रियां बनी हैं, मिलेगा ही, और इनके प्रतिकूल होगा तो बुरा लगेगा ही। भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श सजा भोगा, जो इनके संपर्क से सुख दुख मिलते हैं, आद्यंतवंतः कौन्ते। यदि गर्मी बुरी लगती है तो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी, थोड़े दिन में नहीं रहेगी, गर्मी की ऋतु बनी नहीं रहेगी, गर्मी सारी रात नहीं रहेगी,
सर्दी भी नहीं रहेगी, लगती है पर भगवान कहते हैं संस्पर्शजा भोगा आद्यंतवंतः, ये आद्यंत वाले हैं ये भोग ये सुख दुख, इसलिए क्या करो न तेषु रमते, उनमें ज्यादा रमण न करो, उनमें लगे न रहो, ज्यादा महत्व न दो, लगेंगे तो जैसे गर्मी सर्दी इंद्रियों के स्तर पर लगती है, ऐसे ही मन के तल पर मान अपमान लगते हैं। भगवान कहेंगे इसलिए निर्माण रहो, तुम इसके लिए दिन रात भजन मत करो, मान पाने की साधना मत करो, मान पाने के लिए दिन रात प्रयत्न मत करो। मान अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता है तो सब अच्छा लगने पर उसके लिए क्यों भजन करते हो, और भगवान अभी तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो भी उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, क्योंकि जब तक वो अच्छा न लगेगा तो मुक्त नहीं हो सकता। संसार अच्छा लगेगा वो लगेगा, बुरा भी लगेगा, पर इसके में इसका प्रयास मत करो। और भगवान अच्छे नहीं लगते तब भी प्रयास करो कि भजन अच्छा लगे, प्रभु की याद सुखदाई लगे, क्योंकि संसार सुखदाई लगेगा तो फंस गए और दुखदाई लगेगा तो फंस गए। सुख और दुख में ही तो बंधे हैं, लाभ हानि में ही तो बंधे हैं, जन्म और मृत्यु में ही तो बंधे हैं, जीना और मरना ही तो है। अब जीना अच्छा लगता है, मुझे अभी भी लगता है अच्छा, जीना अच्छा लगता है, मरना अच्छा नहीं लगता है। यदि बिल्कुल मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो लगेगा ये काम और हो जाएंगे तब शरीर छूटे, जल्दी ना छूटे। तैयारी रखते हुए भी मन मन है, लेकिन तैयारी ये है कि कभी छूटे छूट जाए, ये बुद्धि की देन है। नेचर तो वही है, जैसे इंद्रियां वही हैं, गुरुदेव की भी थी मेरी भी हैं। कई बार विदेशी जब सेवा में रहते हैं तो वो कभी कभी तो नियम का ख्याल कर लेते हैं, कभी लाभ हानि का भी ख्याल करते हैं, पर तब भी वो हमारी बुद्धि का ख्याल नहीं कर पाते कि हमारी बुद्धि क्या है। थोड़े बहुत नुकसान भी हो जाए खाने से तब भी हमें परवाह नहीं होती, थोड़ा मान आदि नहीं मिले। कई बार फोटो खिंचाने वाले में बैठा हूँ तो कहते हैं फोटो खिंचा लें, मैंने कहा खिंचा लो, मुझे तब तक पक्का नहीं कि ये साथ बैठेंगे कि नीचे बैठेंगे, पर यदि साथ बैठ जाते हैं तो फोटो खिंचा लें। अच्छा वो तो खिंचाने वाले की अपनी बात है कि वो कहाँ बैठ के खिंचा ले, मेरा क्या घिस जाएगा। इतना मान में मैं बंधा हूं कि बराबर बैठा देख नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए नहीं, इसलिए भी अच्छा नहीं लगता कि इनको उद्धार चाहिए और इनके पास इतनी जगह नहीं है कि चरणों में बैठे। एक छोटे बच्चे को मैं गोद ले सकता हूं, गोद में बिठा सकता हूं, सिर में बिठा सकता हूं, पर चेलों को बगल में भी नहीं बिठाना चाहिए। फर्क समझ ले, क्योंकि बच्चे के अंदर अभी अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। तुम तो यहां अभिमान छोड़ने आए हो, सुबह से शाम तक नाक के काम ना करो, मान के काम ना करो, अपने हित का ख्याल मत छोड़ो, अपने उद्धार पर नजर बनी रहे, खाते में पीते में उठते में बैठते में बोलते में सुनते में आप निर्माण रहने की कोशिश करो। मान आएगा अपमान आएगा, जैसे सर्दी गर्मी आएगी
स्वाद बेस्वाद भोजन आएगा तो पूरी नजर उसी पे रहे, नजर रहे अधिक से अधिक स्वास्थ्य पर, अधिक रहे तो निर्माण मुक्ति पर ख्याल रहे, स्वास्थ्य वो भी स्वास्थ्य है, एक शारीरिक स्वास्थ्य है एक आत्मिक स्वास्थ्य, आत्मा में रहो जिसमें लाभ हानि नहीं है, जिसमें जन्म मृत्यु नहीं है, सचमुच आत्मा में जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु अनात्मा है, मान आदि अपमान आदि मन में है, तुम्हारे स्वामी नहीं है, तो तुम स्वस्थ रहो, स्वस्थ आत्मस्थ रहो, इस आत्मा में स्थित होने की कोशिश करो। यदि मानस्थ रहोगे अपमानस्थ रहोगे तो स्वस्थ नहीं रहोगे, अपने में नहीं रहोगे, मान में बैठ जाओगे, अपमान में नहीं पसंद होने पर भी, जैसे गर्मी होगी तो क्या करोगे, अब तो एसी है, व्यवस्था है, पंखा है, जिन दिनों या रास्ते में हो गर्मी लग रही है तो क्या करोगे, लग रही, उसका तो उपाय कोई नहीं, तो मान भी मिलेगा, हम चाहते हैं इसीलिए मान मिलता है, जरा ध्यान दो, हमें मान मिलता है कि नहीं बोलो, चाहने से ही मिलता है कि मिलता ही है, मान लो मैं मान ना चाहूं, सपोज, तो नहीं मिलेगा। अच्छा मान लो मैं चाहूं तो सब लोग देंगे, तो करना क्या है, बस आप चाह कम करें, चाह त्याग करके स्वस्थ बने, शांत बने, लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये विषय बाहर पर निर्भर है, शरीर कब जाएगा ये प्रकृति पर निर्भर है, प्रारब्ध पर निर्भर है, पता नहीं ईश्वर पर निर्भर है, किस पर निर्भर है वो भी हम दावे से नहीं कह सकते, पर मेरे पर निर्भर नहीं है ये बात तो पक्की है। शरीर मेरे चाहने तक रुकेगा ऐसा नहीं है, और यदि मैं चाहूं कि अब शरीर छूट जाए तो जहर खा लो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे चाहने से भी छूटता नहीं है, चाहने से छूटता तो कितने बार दुख में सोचा ना रहें तो अच्छा, यदि भगवान तुरंत इच्छा पूर्ति करते होते तो अभी तक हम सब लोग मर गए होते, पर भगवान जल्दी सुनते नहीं, उनके कान में जल्दी भनक नहीं पड़ते। सोचते हो कभी जिंदगी क्या चीज है? अभी देखो आज एक सूचना दे दो, पहले बार चैतन्य सिंधु ने पूछा कि इस बार साधना शिविर का क्या नाम रखेंगे, मैंने कहा कुछ रख लेंगे, फिर मन आया तो हमने कह दिया कि इस बार के बीते शिविर का नाम रखा था ब्रह्म साक्षात्कार साधना शिविर, तो इस बार अभी से मन हो गया कि अगले शिविर का क्या नाम रखेंगे, तो उसका नाम हमने चुन लिया मुक्ति साधना शिविर। ना ज्ञान साधना, ना ध्यान साधना, ना कर्म साधना, मुक्ति साधना, ध्यान मुक्ति पर रहे, ज्ञान है कि नहीं जाने दो भाड़ में, समाधि लगी कि नहीं, ध्यान लगा कि नहीं, हम क्या पढ़े हैं कि नहीं, मुक्त हैं कि नहीं, और कैसे मुक्त रहें। इसलिए अगला शिविर, एक बार तो ये भी मन आया कि कह दूं अंतिम साधना शिविर, पर मुझे लगा कि अंतिम के लोग कई अर्थ लगाएंगे, कोई सोचेगा कि स्वामी जी कहीं
शरीर ही तो छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए अंतिम नाम रखा है, या इसके बाद कोई साधना शिविर ना करेंगे, इसलिए सोच विचार कर साधना शिविर का नाम मन में तो आया, अंतिम लास्ट, जिसके आगे कुछ कहना समझाना सुनना पाना करना बाकी नहीं रहता, उसी का नाम है अंतिम साधना शिविर। लेकिन फिर भी उसका नाम बदल लिया, नाम रखा है मुक्ति साधना शिविर। तो अभी से आप सोचना शुरू करेंगे, और जिन लोगों को समय मिलेगा, और अभी तक पहले भारतीयों का शिविर करते थे, बाद में पहले तो खिचड़ी शिविर था, विदेशी भी साथ में, विचारों को समझ नहीं आता था, फिर अलग करना शुरू किया। इस वर्ष पहले विदेशियों का कैंप होगा, जिसमें रूस के, अमेरिका के और देशों के भी आएंगे, लाभ लेंगे, तुम्हारा उसके बाद होगा, ठीक है। तो अब विचार अभी से करना, मुक्ति का क्या अर्थ है। तो मोटा अर्थ अभी ये कर लो, जिसके बिना हम शांति से रह सकते हैं, जिसके बिना, जिसके कारण जो नहीं रहने वाला, उसके बिना हम उसके अभाव के लिए राजी है, नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाले के अभाव को झेलने के लिए मन तैयार है। जो होगा ही होगा ही, उसको मन स्वीकार कर रहा है, विरोध में नहीं है कि ये होना ही नहीं चाहिए। जो प्रकृति के नियम हैं, जो कल्चर के नियम, दो तरह के हैं, प्रकृति के नियम और संस्कृति के, इन सब में हम कैसे शांति से रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं, निर्द्वंद रह सकते हैं, और अंतिम में इन सब का मुझे अभाव होता दिखेगा, सबका, सबके अभाव को देखने वाला मैं इन सबके अभाव में भी रह सकता हूँ, ये पूरी तैयारी अंदर से, जैसे भगवान शिव को, सब भगवानों को तो अच्छा अच्छा भोग लगता है, भगवान शिव को तो जहर का भी भोग लगता है, इसलिए वो शिव हैं, अनुकूल अनुकूल मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, अनुकूल अनुकूल चाहने वाले नहीं, प्रतिकूल के लिए भी तैयार होने वाले भगवान शिव, शिव मुक्त हैं, शिव मुक्ति के देवता हैं, और जहाँ शिव रहते हैं उस भूमि को मुक्ति, जन्म महिखान मुक्ति, काशी जो है मुक्ति की जननी, मुक्ति की जगह है। तो हम क्या कहते हैं, शिवत्व तो मुक्ति है, जहाँ सब कुछ स्वीकार है, सब लोगों ने अमृत पिया, भगवान शिव को थोड़ी मिला, औरों ने ले लिया, राक्षस लड़ रहे थे, देवताओं ने ले लिया, और शिव जी को अमृत भी नहीं चाहिए। एंड जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, जिसको कोई नहीं पसंद करता, उस जहर को भी भगवान कहते हैं, चलो ले दो, पर किस कला से पीते हैं, बाहर रहने नहीं दिया, पी लिया, और अंदर जाने नहीं दिया, मौत को बाहर स्वीकार कर लो, अंदर तो मौत जाने ही न पावे, ऐसे शिवत्व को प्राप्त करो। तो अब अभी इतना ही कहेंगे, एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि कलकत्ते से किरण आई हैं, उनका एक बेटा
यहाँ आज यज्ञोपवीत करवा रहा है। ये धीरे धीरे सब प्रथाएं लुप्त हो रही हैं। हम यज्ञोपवीत पहने, उस दिन से हम कोई आचरण लें, जैसे सन्यास, आज तो सन्यास की वैल्यू नहीं है। कपड़ा रंग के जो नहीं करना सो शुरू कर देते, जिस दिन से छोड़ना चाहिए उस दिन से शुरुआत होती। तो सभी हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्थाएं नष्ट हो रही हैं, तो कोई भाग्यशाली यज्ञोपवीत पहने और यज्ञोपवीत पहनकर शादी पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। शादी पर्यंत, जब शादी हो जाए तब गृहस्थ में प्रवेश करे। मोटा अर्थ इतना ही है, जनेऊ पहना है, विद्या अध्ययन करना है, और एक दिन जनेऊ और पहना जाता है जिस दिन शादी करने के लिए तैयार होता है, उस दिन फिर उसको उसका संस्कार दिया जाता है। सदा के लिए कुछ नहीं, हिंदू सदा के लिए कुछ नहीं देता और सबको नहीं देता। क्षत्रियों को युद्ध करने को कहता है, साधु को युद्ध करने को मना करता है। किसी को ग्रंथ शादी करने का आदेश देते हैं, किसी को स्त्री छोड़ने का आदेश देते हैं, शास्त्र देते हैं, मन नहीं। मन भी आए तो जब तक शास्त्र से संबंध ना जोड़ो, नहीं छोड़ो। तुम तो मन में आया शादी कर ली, मन में आया स्त्री छोड़ ली। कोई पंडित की जरूरत नहीं, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम्हारा मन दुखी हुआ पत्नी से तो घर छोड़ दिया, या घर से बाहर कर दिया, या मार दिया। पत्नी छोड़नी है तो बताएंगे कैसे छोड़ी जाती है। घर छोड़ना है तो गुस्सा में क्यों छोड़ते हो, सन्यास लो पहले। अब बड़े वीर हो तो सन्यास लेके घर छोड़ो। हमारा धर्म मन पर खड़ा नहीं है, बल्कि मन को धर्म पर खड़ा होना चाहिए। धर्म को मन के अनुसार नहीं तब्दील करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अभी तो हम इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें एक बालक के यज्ञोपवीत में अभी थोड़ी देर को सम्मिलित होना है। और मुझे खुशी अनुभव होती है आप अपने बच्चों का बिल्कुल यज्ञोपवीत करें और बढ़िया शिक्षा सूत्र दें। और इतना लोग अपने अपने धर्म पर जीते हैं, तुम भी अपने धर्म पर ऊपरी आग्रह नहीं, बल्कि अपने धर्म की वैल्यू कीमत समझो और जी कर दिखाओ कि हम हिंदू हैं, हम जनेऊ पहने वाले हैं। केवल ये नहीं कि मत छुओ मत छुओ, इतना ही धर्म नहीं है जनेऊ का। जनेऊ के बहुत कुछ धर्म हैं, ये नहीं करना है, ये करना है, वो यज्ञोपवीत के साथ है। और चोटी और जनेऊ छोड़ने के साथ बहुत कुछ है कि आज से मैं हिंदू न रहा, मैं मनुष्य न रहा, मैं पंडित न रहा, मैं बनिया न रहा, जनेऊ छोड़ दी, चोटी छोड़ दी। आज तक मैं किसी जाति समाज का था, आज तक मैं अब किसी का नहीं रहा, अब मैं सारे संसार का हूँ या कोई भी का नहीं हूँ, सिर्फ भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। हमारे यहाँ हर चीज एक व्यवस्थित ढंग से की है, इसलिए ये हिंदू की वर्ण आश्रम व्यवस्था राग द्वेष के लिए नहीं थी, ऊंचाई निचाई के लिए नहीं थी, केवल छुआछूत के लिए नहीं थी। ये पवित्र वर्ण आश्रम व्यवस्था मनुष्य को दिव्य बनाने के लिए थी। आप उसका पालन करें। ओम शांति शांति शांति।